एक्चुअली इस इंटर्नशिप प्रोग्राम में जो इलेक्ट्रोसॉफ्ट सिस्टम जो इंटर्नशिप प्रोग्राम चला रहा है उसमें हम देख रहे हैं कि ये जो मशीन पर भी फॉल्ट आ चुका है ना, ये ऑन साइड अभी मशीन है, सर्विसिंग के लिए जो मशीन आने वाले पास में, तो इसमें फॉल्ट आ चुका है कि पहले इसका पावर सप्लाई नहीं चल पा रहा है ना, या पावर सप्लाई में प्रॉब्लम है। तो किस प्रकार से पावर सप्लाई के प्रॉब्लम्स निकालने मैंने आपको बता दिया था, समझ रहे हैं आपको? ओके, तो क्या चेक करना है हमें, टायर के वैल्यू चेक करवाना है। तो देखते हैं कि टायर के वैल्यूज थोड़ा इसको थोड़ा होल्ड कीजिएगा, मैं एक वैल्यू जहाँ से चेक करते जा रहा हूँ। ओके, तो देखेंगे कि वैल्यूज हम चेक करते रहेंगे इसमें के। तो पहला टायर चेक करवाना है इस प्रकार से हमें भी, कि इसे आप लगाते एनोड को एनोड और कैथोड को कैथोड लगाएंगे, तो इसका जो वैल्यूज है फॉर्म है जो मैं आपको बताया था उस रेंज में आ रहा है। सो वैल्यूज जो बताए थे मैंने आपको उस रेंज में वैल्यूज आ रहे हैं, ये भी सही है। तीसरा चेक करवाएगी तो तीसरे के लिए हमें लगाना होगा हमारा ये एनोड और कैथोड, सही है क्या ये? अरे ये तो पकड़ लिया ना हमने कि इसमें कौन सा प्रकार का खराब है, वो समझ गया अभी आपको? समझ गए? तो देखो तो ये अगर हमने डायोड इसमें से रिप्लेस कर देंगे तो भी ये फॉल्ट निकल जाएगा और मशीन शुरू हो जाएगा। ओके, तो आप इस प्रकार से सर्विस इंजीनियर तो बन ही सकते हो। अच्छी तरह से पीछे होता भी देख लेते हैं, ये भी सही है। ओके, तो जो वैल्यूज मैंने आपको बताए थे, जो वैल्यूज आने चाहिए वो भी मैं आपको बता चुका हूँ, और उस प्रकार से आप इसका मेंटेनेंस कर सकते हैं। आप करवा लोगे इसका मेंटेनेंस? हाँ सर। तो चलो लग जाओ फिर काम किया।